वो हवा मिलती है, फजा मिलती है। अल्लाह वाले वो होते हैं जो बगैर किसी नस्लो जात के हर एक के साथ प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अकीदत रखते हैं। यही बात है कि हर शख्स, हर आदमी मजारात पे हाजिरी दे करके अपनी मुरादें पूरी करवा देता है। इस वक्त हमारे सामने जनाब बाजी मोहम्मद शौकत साहब जो यहाँ के इस वक्त गद्दी नशीन हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज फरमाए। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि पास में एक इदारा भी कायम किया हुआ है जहाँ मौलाना हजरात जो हैं दीनी काम भी कर रहे हैं, शानदार तरीके से दीनी तालीम भी हो रही है और दुनियावी दर्श भी यहाँ दिया जा रहा है, यानी कि अल्लाह के वलियों की रूहानी दर्श भी हो रहा है और जाहिरी दर्श भी हो रहा है। अगर जाहिर को संवारना हो तो उलमा की बारगाह में चले जाओ, बातिन को संवारना हो तो अल्लाह की वली की बारगाह में चले जाओ। अल्लाह के वली बातिन को ठीक कर देते हैं, उलमा जाहिर को ठीक कर देते हैं। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दूनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और हजरत बाजी गुलाम नबी साहब अली रहमा की रूहानी दुआएं हमारे साथ अता फरमाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपको भी खैर मकदम कहता हूँ। आपके हमारे बोली के आज यहाँ पे जो ज़्यादा आपका मदरसा, उसके हवाले से यहाँ के गरीब अवाम को क्या मैसेज देगा? हमारा जो दारुल उलूम है यहाँ पर, ये गरीब बच्चों के लिए है जिनको फ्री तालीम दी जाती है, फ्री खाना दिया जाता है, यहाँ रहने का, खाने का, पीने का सब सिस्टम है। ये हम फी सबीलिल्लाह करते हैं और यहाँ की जितनी भी इनकम है, मक्की है, ज़मीन का घास है, ज़ियारत की इनकम है, ये सारी इसी इदारे की कमेटी के हवाले होती है और ये यहीं से मैनेजमेंट चलाते हैं और हम खुद भी इस इदारे की खिदमत करते हैं। इस दूर दराज इलाके में जहाँ पर मस्जिदें भी नहीं थी, यहाँ जामा मस्जिद भी कायम की गई है और मकसद और मुद्दा यही है कि ताकि जो खानकाई निज़ाम था जहाँ पर इल्म जाहिर भी होता था, इल्म बातन भी होता था, तो उसी सिलसिला को हम आगे चला रहे हैं कि ताकि यहाँ से लोग इल्म जाहिर भी सीखें और इल्म बातन भी सीखें, ताकि जो बुजुर्गान दीन का मिशन था कि लोगों को जहालत की तारीकियों से निकाल कर इल्म की रोशनी से मालामाल किया जाए और उनकी कल्बी और रूहानी तरबियत की जाए। इल्म जाहिरी तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तरबियत होती है, पर इल्म बातन जो है वो कल्बी और रूहानी तरबियत जो है वो सिर्फ अल्लाह वालों के दरबारों में होती है और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये सब इंतज़ाम किया जा रहा है और आगे भी इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी और सारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना। आप देख रहे थे जेके प्रेस मीडिया, बने रहे हमेशा इरशाद बार।